और इनकी खुशबू आ रही है जोरदार। और आप इनका एक और ये है कि अगर आपको चीज़ पसंद नहीं आए तो कुछ भी पैसा आपको यहाँ पे पे नहीं करना। आप मिठाई खा लो, नमकीन खा लो या दाल के बड़े खा लो, पसंद नहीं आए तो एक पैसा नहीं देना है। क्या भाई साहब, पक्का ना? पक्का। ठीक है साहब, ये देखो, ये तो ये होता है कि इनकी क्वालिटी, इनको इनको खुद पे कितना ट्रस्ट है। चलिए साहब, इनके दाल के बड़े भी ट्राई करते हैं। क्या लगा? सिंस 1973, मतलब इतना पुराना ब्रांड है, तो आप यकीन माने कि इनकी क्वालिटी कितनी ज़बरदस्त होगी। और ये दाल के लड्डू हैं। लड्डू तो यार मैं दिखा दूँ पहले उसको तोड़ के, ये देखिए। और ये इनकी फेमस फलौदी की खोका है। सत श्री अकाल खवातीन हज़रात, मैं शादाब अली सैयद और आप देख रहे हैं शादाब टॉक्स। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का बहुत फजल करम, हमारी भी ज़िंदगी बहुत अच्छे ढंग से गुजर रही है माशाल्लाह। सबसे पहले तो यार प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और छोटी रील्स आप देखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर सेम मेरा आईडी है शादाब टॉक्स के नाम से, वहाँ जाके फॉलो करें। मैं वहाँ छोटी रील्स आपके डालते रहता हूँ। आज हम लोग आपको बेसन का चूरमा ट्राई करेंगे, जो फलौदी के बहुत ही फेमस है। जीतू जी उन्होंने अपनी एक शॉप यहाँ पे खोली है। आज हम लोग जाएंगे जलजोग से, अपन जब आगे जाएंगे तो ICICI बैंक है, उससे पहले इन्होंने अपना एक काउंटर लगाया। और आप यकीन माने ये जो बेसन का चूरमा इतना ज़बरदस्त वो बनाते हैं, और भी इनके पास आइटम है। चलिए जीतू जी हमारा वेट कर रहे हैं, वहाँ चल के जीतू से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं भाई ये कितना पुराना ब्रांड है, क्या क्या चीज़ उनके पास मिलती है बेसन के चूरमे के अलावा। मिठाई भी है उनके पास में, उनके पास नमकीन भी हो जाएंगे। चलिए सीधा वहाँ चलते हैं, वहाँ चल के बात करते हैं। सर्कल से जब अपन सीधा जाएंगे तो ICICI बैंक है यहाँ पे, वहाँ पे उनके पास में इनकी शॉप है। ये अपने देखो पूरा लोकेशन आपको बता दिया है, ये देखो, ये आगे जाके ये ICICI बैंक है, इसके पास में ये देखिए बैंक आ गई। और यहाँ पे इनका है बेसन चूरमा वाले फलौदी वाले, माशाल्लाह फलौदी के प्रसिद्ध स्वादिष्ट मिठाइयाँ। जीतू भाई गाड़ियाँ लगा देता हूँ साइड में थोड़ा, उसके बाद फिर आपसे बात करेंगे। क्या प्यारा सा लग रहा है यार। तो यार आज हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया था कि आज हम लोग यहाँ आपको फलौदी के फेमस बेसन का चूरमा ट्राई कराएंगे। देखिए सबसे अच्छा मुझे क्या लगा, सिंस 1973, मतलब इतना पुराना ब्रांड है, तो आप यकीन माने कि इनकी क्वालिटी कितनी ज़बरदस्त होगी। और फलौदी में तो ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, इनके यहाँ पर आपको बेसन का चूरमा मिल जाएंगे। और मैं देख रहा हूँ कि उसके अलावा भी इनके पास बहुत सारी वैरायटी, नमकीन भी इनके पास में। चलिए अंदर चलते हैं, पूरे लोकेशन में आपको बता दिए। ये देखिए सामने जलजोग सर्कल है, जलजोग सर्कल से अपन सीधा जब ये बायोस्को वाली रोड पकड़ते हैं, यहाँ पे ICICI बैंक है, इसके एक दो दुकान छोड़ गई, यहाँ पे आपको बेसन चूरमा वाले मिल जाएंगे। इनके नंबर भी हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ताकि आप इनसे अगर आपको लोकेशन नहीं मिले तो इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते। चलिए साहब हम लोग यहाँ आ गए हैं, जैसे ही मैं एंटर करता हूँ, नमस्ते भाई साहब, कैसे हैं आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्जुन है। अर्जुन जी, तो जीतू जी है भी यहाँ पे, कौन है? नहीं, जीतू जी बड़े भाई है, बड़े भाई, अच्छा बाहर गए हैं। तो आज हम लोग आपका ये जो फेमस जो बेसन का चूरमा है वो ट्राई करेंगे। इसके अलावा अपने यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलती है सर? अपने पास दाल के लड्डू है जी, जी रोड की बर्फी है, मुरली पेड़े है, क्या बात है, और दाल के फेमस पकौड़े, पकौड़े भी मिल जाएंगे। तो अच्छा मुझे कुछ ब्रांड के बारे में आप ये बताएं, 1973 से आपका ब्रांड है, कहाँ का ब्रांड है ये? ये फलौदी का ब्रांड है, फलौदी का है। तो अपना पूरा जो भी है वहीं पे, अभी जोधपुर में कितनी शॉप है अपनी? जोधपुर में ये फर्स्ट शॉप है अपनी, फलौदी में पहले से ही एक शॉप है जी, जी। और उसके साथ साथ मैं देख रहा हूँ आपको गुलाब हलवा भी मिल जाएगा, दाल के लड्डू उनके पास में, रबड़ी जली भी मिल जाएगी, दाल के पकौड़े और भुजिया भी इनके पास। थोड़ा दिखाओ भाई साहब अपना, ये जो बेसन का जो है, आप टेस्ट करो, पास मावे से बनता है, क्या बात है, इसका मावा बावड़ी से जाता है, बावड़ी से आता है, के पास बावड़ी है वहाँ से आता है, पूरा गच हुआ हुआ यार ये तो। मैं देख रहा हूँ बिल्कुल भी ड्राई नहीं, अगर आपको कोई भी घी की मिठाई खानी है तो थोड़ा बहुत वो उसमें घी का असर आना चाहिए, तभी मज़ा आता है। मैं तो कहूँगा भाई साहब को और उसको गच करके यहाँ पे बनाए, क्योंकि जब मिठाई खानी है तो घी में अगर घी का तरी ऊपर नहीं आया तो क्या मतलब। लेकिन यहाँ पर भी माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छा बनाया हुआ है, देखिए मैं आपको पूरा इसका क्या क्वालिटी के साथ साथ में इनका जो जो टेक्स्चर है ना वो चेक करो, माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त है। चलिए साहब इसको ट्राई करते हैं हम लोग, फ़ोटो भी खिंचाऊँगा बाद में। जोरदार बना हुआ है माशाल्लाह। सबसे अच्छा क्या है कि एक तो इसमें जो घी की जो क्वालिटी, जो घी इन्होंने यूज़ किया वो सुपीरियर क्वालिटी का खुशबू आवत है यार माशाल्लाह। और दूसरी बात एक और क्या है कि ज़्यादा मीठा नहीं है, कभी कभी क्या होता है कि चूरमा बहुत ज़्यादा मीठा करते हैं, एक्सट्रीमली मीठा भी फिर वो मज़ा नहीं आता है। तो जब थोड़ा कम थोड़ा कम मीठा होगा तो उसके जो फ्लेवर्स है ना, इसके क्या क्या इन्होंने इसमें जो भी
इंग्रीडियंट्स यूज़ किए हैं वो सब अपने फ्लेवर्स आप मुंह में इसका जायका ले सकते हैं। ये क्या भाई साहब? ये अपने गाल के लड्डू। ये गाल के लड्डू हैं। लड्डू तो यार मैं दिखाता हूँ पहले को उसको तोड़ के, ये देखिए कितने सॉफ्ट हैं माशाल्लाह। ये देखिए तो कितनी शॉप है भाई साहब अपने यहाँ पे? ये जोधपुर में एक ही में पहली शॉप है। कितना टाइम हो गया अपने को? अभी दो महीने हो गए। दो महीने हुए हूँ। रिस्पॉन्स भी अच्छा आ रहा है, मैंने सुना दो दिन मेरे काफ़ी लोग यहाँ पे आए, उन्होंने क्वालिटी की तारीफ की माशाल्लाह, काफ़ी ज़बरदस्त। इसकी क्या प्राइस है? 540 रुपये हो गई। ये भी दोनों चीज़ें मैंने ट्राई कर ली, बहुत ज़बरदस्त थी। इसके अलावा अपने पास क्या क्या डिस्प्ले में? मूली पेड़ा मिल जाएगा। जी, वो भी टेस्ट कराया मुझे। इसके साथ साथ में आपको ये नमकीन भी मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे इनके सब नमकीन है, वो भी हम लोग ट्राई करेंगे। उसके बाद एक बार मैं मीठा ट्राई कर लूँ, फिर मुझे इनकी ये दो तीन सेवे ट्राई करेंगे, और फिर हम लोग इनके दाल के जो पकौड़े हैं वो हम लोग ट्राई करेंगे। देखते हैं, वो जब दाल के पकौड़े बनते ना तो उसमें हींग की जो खुशबू आती है ना, उससे जायका और ज़्यादा वो बढ़ जाता है। एक मुरली पेड़ ये मुरली पेड़ है, ये देखिए भी काफ़ी सॉफ्ट है। देखो सबसे बड़ी बात कितने स्मूथ है ये। मतलब कभी कभी क्या होता है कि अपन को पेड़ वेड़े खाते हैं तो वो बिखरते हैं, लेकिन यहाँ देखो कितने स्मूथली ये ब्रेक हो रहे हैं। इससे पता चलता है कि इन्होंने टॉप क्वालिटी के इंग्रीडियंट्स यूज़ किए हैं और वाकई में लाजवाब बने माशाल्लाह। अभी जैसे दिवाली का सीज़न भी चल रहा है तो मेरे अगर जो भी फॉलोअर्स हैं काफ़ी सारे, वो यहाँ पर आके इनकी जो मिठाई है वो ट्राई कर सकते हैं और अपने जो भी रिलेटिव हैं उनको गिफ्ट भी कर सकते हैं। ये हो गया। हाँ भाई, ये तीन टाइप की मिठाई हो गई। अब हम लोग इनका जो ये गुलाब हलवा है वो ट्राई करते हैं। वैसे गुलाब हलवा पाली का फेमस है, लेकिन ये भाई साहब कह रहे हैं कि इनका एकदम डिफरेंट है और उससे ज़्यादा अच्छा है। ये क्या हिसाब से भाई साहब? मुझे अच्छा क्या लगा आपकी सारी मिठाई का, एक तो ज़्यादा स्वीट नहीं है, सबके जायके अलग अलग हैं और माशाल्लाह टॉप क्वालिटी के आपने इसमें इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं। भगवान आपको और तरक्की दे और आप ऐसे यहाँ दो तीन ब्रांचेस खोलें। ये तो इसमें अपने लाइट शक्कर रखे वाली है और घी भी अपना एकदम देसी यूज होता है। हाँ हाँ, और खुशबू आ रही है ना, सब में खुशबू आ रही है, घी की सब खुशबू आ रही है। और इसका जो मावा है वो फलोदी के पास में बावड़ी है, वहाँ का फेमस मावा, वहाँ का फेमस है, वहाँ का। और सबसे बड़ी बात जो प्राइसिंग है वो भी काफ़ी रीजनेबल है। ये तो आपकी मिठाई हो गई भाई साहब, अब हम लोग थोड़ा नमकीन जायका भी आपका ट्राई कर लेते हैं। आपको पकौड़े टेस्ट करो, पकौड़े ट्राई करें। उससे पहले मुझे ये थोड़ा बताएं आपके ये नमकीन में क्या क्या अपने पास में? जो मीठा है वो तो हमने ट्राई कर लिया, अब हम लोग इनके नमकीन की तरफ आते हैं। ये इनका भुजिया है, फलोदी का फेमस जो सेवे, जिसको खोखा ये लोग बोलते हैं, जो आपको यहाँ मिल जाएगा माशाल्लाह। और ये मिक्सचर है, ये भी इनके यहाँ पे बहुत फेमस है। क्या क्या प्राइसिंग है भाई साहब इसकी? इसके 300 रुपये के जी है। चलिए साहब इनका मिक्सचर ट्राई करते हैं। चम्मच नहीं भाई साहब, मिक्सचर ट्राई करते हैं। सबसे पहले इनका मिक्सचर मैंने काफ़ी जगहों का ट्राई किया यार, अब देखते हैं यहाँ का भी ट्राई करके देखते हैं कैसा लगा मुझे। लाजवाब यार, इतना ज़बरदस्त मीठा खिलाने के बाद आपको इतना ज़बरदस्त नमकीन ही खिला रहे हैं तो वाकई में लाजवाब है। मतलब आप जब यहाँ जीतू भाई के यहाँ पर आएंगे तो इनकी जो मिठाई के साथ साथ में आपको नमकीन भी ज़रूर यहाँ पे ट्राई करना चाहिए। जैसे दिवाली अभी आने वाली है तो मिठाई के साथ साथ में आप अपने जो भी आपके रिलेटिव हैं उनको यहाँ नमकीन भी इनको गिफ्ट कर सकते हैं। और ये इनकी फेमस फलोदी की खोखा सेवे। ये इनकी भुजिया, सबसे बड़ी बात बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है। कभी कभी दो तीन मैंने जगह ट्राई की है वो इतनी क्रिस्पी नहीं होती है, कुछ कुछ नमकीन उनके सॉगी हुई हो जाते हैं बिकॉज फ्रेश नहीं रहते, लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है जैसे जैसे इनका बिक्री होती है वैसे वैसे ये फ्रेश बना के लेके आते हैं। इसकी क्वालिटी चेक करो कितनी क्रिस्पी है, मैं जब बाइट लूँगा तो आपको, मैं जब चू करूँगा तो आपको पता चलेगा कि कितना क्रिस्पी है। ये कितने की भाई साहब? बहुत फ्रेश है माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। और अब हम लोग इनके जो दाल के बड़े हैं वो ट्राई करेंगे। दाल के बड़े क्या हिसाब से भाई साहब? दाल के बड़े अपने 300 रुपये किलो रहते हैं, और
दाल के बनते हैं। और इसमें कौन सी दाल यूज़ करते हैं आप? मूंग की दाल यूज़ करते हैं। चलिए चलते हैं बाहर, देखते हैं दाल के बड़े कैसे बनाते हैं। ये सब आपको चीज़ें ट्राई करनी तो आपको यहाँ बेसन चूरमा वाले जीतू जी के यहाँ पर आना पड़ेगा। पूरी लोकेशन मैंने आपको बता दी, इनके नंबर भी उसमें डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगर लोकेशन नहीं मिले तो आप इससे कॉन्टैक्ट करके भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं। चलिए वहाँ चलते हैं, वहाँ चल के बात करते हैं। चलिए साहब, अब हम लोगों ने इनका मीठा तो ट्राई कर लिया, अब मेरा फेवरेट जो दाल के बड़े हैं, मुझे दाल के बड़े बहुत ज़्यादा पसंद हैं। आज हम लोग इनके दाल के बड़े ट्राई करेंगे, बेसन चूरमा वालों के, फलोदी वालों के। इनका तेल भी ये सनफ्लावर यूज़ कर रहे हैं माशाल्लाह। और साथ साथ में देखो ये दाल की जो क्वालिटी ना वो चेक करो, सारे इन्होंने मसाले इसमें पीस दिए हैं और अभी तो इन्होंने इसमें निकाला नहीं, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि इन्होंने जो हींग जो यूज़ की ना वो काफ़ी सुपीरियर क्वालिटी की है। दाल के जो बड़े होते हैं उसकी टॉप जो इंग्रीडियंट है वो हींग ही है। हींग अच्छा है ना तो मज़ेदार वाला है दाल के बड़े बनने वाले हैं। चलिए साहब, इनका तेल गर्म हो जाए फिर हम लोग इनके दाल के बड़े ट्राई करते हैं। ये सब चीज़ आपको ट्राई करनी तो आपको यहाँ आना पड़ेगा, पूरी लोकेशन मैंने बता दी, जलजोक पे आईसीआईसी बैंक है, उसके एकदम दो तीन दुकानें छोड़ के इनकी शॉप है, बेसन चूरमा वाले फलोदी वाले। बेसन वालों के हम लोग दाल के बड़े ट्राई करेंगे। सबसे अच्छा क्या, देखो इनका जो तेल की जो क्वालिटी ना, ये बार बार इसको रीयूज़ नहीं करते हैं, एकदम साफ़ सुथरा ऑयल इन्होंने अभी मेरे सामने डाला। जैसे जैसे ये लोग यूज़ करेंगे वैसे वैसे मतलब ब्लैक नहीं होने देंगे तेल को। तो जहाँ भी आप खाएं, अच्छा खाएं, क्वालिटी वाला खाना खाएं, बात पैसे की नहीं होती, बात है क्वालिटी की। सब ये देखिए भाई साहब, इसमें गर्मा गर्म दाल के बड़े निकाल लें, एक फ़ोटो लो उसमें। बड़े मुझे इतने पसंद है कि बस मैं वेट कर रहा हूँ कब ये निकाले और कब मैं खाऊँ। ऐसी खुशबू आ रही है माशाल्लाह, और जब कुछ भी लाइव बनता ना इसे बाहर तो खुशबू फैलती रहती है, जो जायका आता है वो दूर दूर तक जाता रहता है माशाल्लाह। ये देखिए बनने वाले माशाल्लाह, ये गोल्डन ब्राउन होने लग गए हैं ये देखिए। और दाल के बड़े का तभी मज़ा आता है जब ऊपर से तो क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट होने चाहिए। देखें क्या बात है, कलर देखो, कलर चेक करो यार, ज़बरदस्त कलर, देखते ही मुँह में पानी आ रहा है माशाल्लाह। और आप यकीन माने 1973 से ये लोग काम करें तो आप यकीन माने कि इतने साल हो गए तो उनकी क्वालिटी इन्होंने क्या मेंटेन वो रखी होगी और किस हिसाब से इन्होंने अपना जो जायका है वो मेंटेन रखा होगा, बिकॉज 1973 इज़ अ लॉन्ग टाइम। कितने साल हो गए सोचो आप, कमेंट करके बताएं कि कितने साल हो चुके हैं। ये देखिए साहब, एक मिनट साहब ना, ये देखो कितने ज़बरदस्त ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं माशाल्लाह, और काफ़ी क्रिस्पी ये नज़र आ रहे। चलिए साहब, और इनकी खुशबू आ रही है ज़ोरदार। और आप इनका एक और ये है कि अगर आपको चीज़ पसंद नहीं आए तो कुछ भी पैसा आपको यहाँ पर पे नहीं करना, आप मिठाई खा लो, नमकीन खा लो या दाल के बड़े खा लो, पसंद नहीं आए तो एक पैसा नहीं देना। क्या भाई साहब, पक्का ना? पक्का, ठीक है साहब। ये देखो, ये तो ये होता है कि इनकी क्वालिटी को इनको खुद पे कितना ट्रस्ट है। चलिए साहब, इनके दाल के बड़े भी ट्राई करते हैं, आ जाए अंदर। इनके दाल के बड़े ट्राई करते हैं, इन्होंने मिर्ची भी फ्राई करके रखी हुई है, साथ साथ में चटनी भी देंगे, ये ग्रीन चटनी। ये सब चीज़ें आपको ट्राई करनी तो आपको यहाँ पे बेसन चूरमा वाले जीतू भाई के यहाँ पे आना पड़ेगा, जो कि फलोदी की बहुत ही फेमस ब्रांड है और काफ़ी पुरानी ब्रांड है। चलिए साहब, ये थैंक यू वेरी मच सर, गर्मा गर्म और दाल के बड़े हैं और खुशबू ज़बरदस्त आ रही है। चलिए साहब, मैं यहाँ रखता हूँ इसको। चलिए साहब, मैं उज़्मा को बोलूँगा थोड़ा पास में लेके आना उज़्मा। ये देखिए, ये ऊपर से कितने क्रिस्पी है और अंदर से कितने सॉफ्ट हैं। चलिए साहब, इसको ट्राई करते हैं हम लोग। लाजवाब, या जैसे मेरे माइक्स में मैंने जब बाइट ली होगी तो आपको आवाज़ महसूस हुई होगी कितनी ज़्यादा क्रिस्पी है। और साथ साथ में इन्होंने जो कटी हुई मिर्ची, आखा धनिया और हींग, साथ साथ में जो उन्होंने जो मसाला डाला ना, उससे इसका जायका यार एक अलग ही लेवल का हो गया। जैसे बैट्समैन तो बहुत सारे हैं लेकिन विराट कोहली का एक अलग ही क्लास है। तो यहाँ पर आप आएँगे तो ये सेम दाल के बड़े तो सब लोग सर्व कर रहे हैं, लेकिन बेसन चूरमे वाले जो हैं जीतू भाई, उनके एक ये दाल के बड़ों का एक अलग ही लेवल है। बाकी में लाजवाब यार, देखो कितने क्रिस्पी हैं देखो, और ये कटी हुई मिर्ची लस, ये हींग विंग यूज़ की, लाजवाब। यार बाकी में भाई साहब, यार मैं तो सोच रहा हूँ आपको डबल पैसे देके जाऊँ, पैसे तो लोन लेकिन डबल पैसे देके जाऊँ, इतनी ज़बरदस्त आपकी क्वालिटी माशाल्लाह। चलिए साहब, ये मैं पूरा ख़त्म करूँगा, उसके बाद देखते हैं और कोई वैरायटी हम लोग लेते हैं, वरना फिर हम लोग हमारा वीडियो ख़त्म करेंगे। आप यकीन माने इनकी जो ये टैगलाइन है या जो इनका जो ऑफ़र है कि अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आए तो एक भी पैसा आपको यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है भाई साहब, वाकई में लाजवाब। मतलब अगर आप ये स्टार्टिंग से मैंने जो स्टार्ट किया, बेसन का चूरमा लिया, आपकी दो तीन मैंने मिठाई ट्राई की माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त था, घी की क्वालिटी आपकी एक नंबर है,
और साथ साथ में बिल्कुल जो मिठास है ना वो आपने एकदम परफेक्ट हुआ आप वो लेके आए। फिर हम लोगों ने आपका ये नमकीन ट्राई की सेवे और वो फलौदी वाली कौन सी फेमस थी अपने, खोखा, खोखा से वो भी यार एक नंबर थी। उसके बाद फिर हम लोग दाल के बड़े पाए तो दाल के बड़े तो एकदम अलग ही लेवल के थे। हेंगी जो खुशबू आ रही थी ना वो वाकई में लाजवाब थी और साथ साथ में जो मिर्ची उन्होंने कटिंग वाली यूज़ की, आंखें धनिया उसमें यूज़ किए, उससे जायका बहुत ज़बरदस्त आ रहा था। जो भी मेरे फॉलोअर्स उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको ज़बरदस्त मिठाई ट्राई करनी है डिफरेंट, मतलब यहाँ बंगाली मिठाई सब जगह मिल रही है लेकिन ये जायका, और मैंने यहाँ पर पैक भी दो तीन चीज़ें मैंने पैक भी कराई है, तो मेरे जो भी फॉलोअर्स हैं वो यहाँ पर ज़रूर विज़िट करें। इनकी लोकेशन का जो लिंक है, जो एड्रेस है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, उनके नंबर भी मैं उसमें पोस्ट कर दूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपने मुझे इस लायक समझा कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। भगवान आपको और तरक्की दे और आप ऐसी दो तीन यहाँ जोधपुर में ब्रांचेस खोलें और आपको खूब तरक्की दे। चलिए इसी के साथ हम लोग हमारा ये वीडियो ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह जिंदगी के लिए तो फिर मुलाकात होगी। शादाब टॉक्स को देखते रहे और हाँ अपनी सेहत का ध्यान रखें, बिकॉज लाइफ इज़ अ गिफ्ट। अल्लाह हाफिज़।